आज के समय में रिश्तों की सारी मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं। एक ऐसा ही केस बिहार के छतरपुर जिले के अररिया गांव की है, जहां एक 17 वर्ष की लड़की अपने ही पिता पर बीते 5 वर्षों से शारीरिक शोषण का आरोप लगाती है। आपको बता दें, वह अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी सीधे एक न्यूज रिपोर्टर को ऑडियो कॉल के द्वारा बताती है। चलिए आपको मैं ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए फिर से। हम बोले हम पापा मम्मी सब साथ ही सोते थे और मम्मी का जब तबीयत खराब हो गया दिमागी हराम से तो वो मायके चली गई थी 6 महीना के लिए। जब वो मायके में 6 महीना रही और हम पापा साथ ही सोते थे, मम्मी नहीं थी तभी और पापा हमारे साथ सोते थे। पापा हमको गलत अति से देखते रहते थे, हमको छू छा करते रहते थे, मेरे परिवार पास को कभी छू लेते थे। हमको सभी समझ नहीं आता था कि मेरे पापा मेरे साथ क्या करते हैं। और तभी हम कुछ नहीं, हम पापा बोलते थे पापा मेरे साथ क्या करते हैं, तो पापा बोलते थे कि तुम्हारे साथ हम प्यार कर रहे हैं, सबका पापा प्यार करता है ऐसे बोलते थे। तो हम मान जाते थे क्योंकि पापा जो भी करेगा तो मेरी भलाई की कैसे करेगा ना। तभी हम कुछ नहीं समझते थे पापा मेरे साथ क्या कर रहा है और हमको ऐसे करते गया। उसके बाद जब हम जस्ट आया, हमको मम्मी भी तब आ चुकी थी, मम्मी को बता, मम्मी देख लिया हमको यस हुआ है तो मम्मी बोला सबको होता है कि। तो उसके बाद हम लोग जब सोए और हम पापा जो फर्स्ट बार मेरे साथ संबंध बना लिया, मम्मी देख भी ली थी, मम्मी देखी, पापा को रोका भी लेकिन पापा मम्मी को मार पीट करके उसको चुप करा दिया, बोला कहीं नहीं बोलने के लिए। और उसका उसको इतना मारा ना, हम देख के हम बहुत डर गए। पापा किस तरह से मारे, उसको बांस लेके कोदाल से कुछ भी लेके जो मिल रहा था सबसे मारने लगे। हम कुछ नहीं, हम समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ नहीं करूँ। और हमको जब डर फर्स्ट बार बनाया था हमको बहुत दर्द हो रहा था, हम पापा को हमको दर्द होता था हमको मत करिए ये सब, फिर भी मेरे साथ कर लेते थे। और हम बोले से दर्द करता तो बोला कि दूध में कुछ मिला के खाओ मोटा जाएगी, लेकिन दूध में हमको सब दिन मिलता गोली देने लगा था। और हम जैसे पीते थे दूध सो जाते थे। उसके बाद हमारे पापा हमारे साथ फिर से मरवाते, हम सब पता चल जाता था हमको। हमको कुछ ही समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ पापा क्या करते गए, हमको तब पर भी हमको समझ नहीं आया पापा मेरे साथ गलत कर रहे हैं। जब मेरी भाभी आई, भाई का शादी हो गया, नहीं भैया का शादी नहीं हुआ, दूसरा मतलब हमारा फुआ के बेटा है ना, उसका मम्मी मर गया था तो उसी को रखा है दादा लोग, तो उसी का शादी करवाया था पहले, उसी को वाइफ आई तो उसे हम बात किए, उसको बोले पापा मेरे साथ ऐसा करता सच आपको भी पापा किया है क्या, वो बोला कि नहीं ऐसा पापा मैं नहीं करता है, ये पति सब किया जाता। जब वो बोला ना तो हमको दिमाग हुआ, हम बोले इतना दिन से हमको पापा अपने साथ हम लेके रखा था और हमको कर रहा था, तब हम उसको मना करने लगे हमारे साथ। तो बोली कल कि हम बोले भाभी ऐसा बोला है उसका पापा नहीं किया है, आप मेरे साथ ये है, बोला कि कल क्या ये तुमको सिखा रही है, उसको भाभी को फटकार के मारपीट करके उसको भी छुपा दे, बोला कि तुम इसको क्या सिखाती है, हमको बात करना बंद करा दे उससे। उसके बाद हमारे साथ फिर ऐसे गए, हम रुकने लगे, हमको फिर बच्चा रह गया पापा का, जैसे रात फिर किट ला के चेक करा के फिर ऑपरेशन करा दे, दवाई ला के खिला के। उसके बाद हम मम्मी को बोले पापा बोला नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, पापा हमको मारता है तुमको भी मार देगा, क्योंकि पहले हम देखे हैं तुम्हारे पापा मर्डर किया है, हमको मार देगा तुम चुप रहो। किसी बात मत बोलो, मम्मी बोला बोला जैसा कर रहा है ना करने दो, तुम्हारा शादी करा देंगे तुम सब कर चले जाना, उसके बाद नहीं करेगा। तो उसके बाद हम जब हमको फिर बच्चा रह गया, हम बोले भले रह जाएगा मेरा दिन का तो भले अपने जान जाएगा सब लोग। तो उसके बाद हम जब 3 महीना का रह गया पता चल गया मम्मी लोग को पापा को, तो हमको लेके आया था डॉक्टर के पास रानीगंज, वहाँ जाके समझा दिया, पास हमको ऑपरेशन कराया। तो वहाँ बोल दिया, ये नहीं बोला कि हमारा ही है, ये बोल दिया वहाँ कि इसको कॉलेज में पढ़ने दिया था ना, लड़का के साथ अफेयर चल रहा था उसके साथ रह गया, लेकिन वो अपना सच्चाई नहीं बोला। हम उसको हम कभी डॉक्टर को नहीं बताया था कुछ, हमको डॉक्टर ई सामने था ना, हम कुछ बोलते तो हमको मारने लगता था।
अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। फिर आपने ऑडियो क्लिप सुन ही लिया होगा। इतना सब होने के बाद न्यूज रिपोर्टर लड़की के गांव पहुंचता है और वहां कुछ और ही कहानी सामने आती है। गांव के लोगों और लड़की के माता पिता से बात करने पर यह सब बातें झूठी बताई जाती हैं और गांव के लोगों का भी यही कहना रहता है। आपके सभी सवालों के जवाब के लिए मैं एक वीडियो क्लिप शेयर करता हूं। अगर एक भी आदमी अगर गांव में कह दे कि जय किशोर मेहता लड़की के साथ गलत किया है, ये बात कैसे कहेगा? ये तो अंदरूनी घर का मामला है, ये कैसे तो अंदरूनी तो कुंदन कुमार कैसे जानता है? कुंदन कुमार कैसे जानता है कि उसका बाप गलत किया? उसका बेटी बता रही है, आरती बोल रही है। वो कुंदन क्यों रो रही? ये सब लड़की का हेल्प करता है। पता नहीं कितने ऐसे लड़की है, कितने फोटो है इनका, कई सबूत इनका निकाल रखे हैं लड़की का। या सब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है? ये सब हेल्प है क्या? हम अपनी बेटी का जब भी शादी करेंगे तो नौकरी वाला लड़का से करेंगे। कुंदन भी था, नौकरी वाला लड़की वाला कुंदन था, लेकिन कुंदन पहले से शादीशुदा एक लड़की भी है, वह कुंदन मेरा भतीजा है। पता है जिन पर की इनके ही बेटी जो है वो आरोप लगा रही है कि इन्होंने 12 साल की उम्र से शुरुआत किया उनके साथ बलात्कार करने का, रेप करने का, वो भी इनके ही अपने घर में, और 17 साल यानी कि 5 साल लगातार कंटिन्यूअसली पूरे परिवार, क्योंकि जो आवेदन उसमें दिया हुआ है ये पिता है, ये माँ है, वो भाई है, ये दादी है, ये दादा है, और ये भी एक भाई है। और इस पूरे परिवार पर आरोप है कि सबके सहमति से, क्योंकि पहले इसकी जानकारी सिर्फ माँ को थी, उसके बाद फिर इसकी जानकारी धीरे 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 पूरे परिवार को हुआ, और पूरे परिवार ने सिर्फ यही कहा कि क्या करोगे, घर का बात है, घर में रहने दो, बाहर जाएगा तो बदनामी हो जाएगी, फिर वगैरह। आरोप लगा रही है आपका बेटी? वो तो गलत लगा रहे हैं। गलत लगा रही है, पूरा गलत लगा। आरोप आप कैसा किए हैं? ना कभी नहीं, बोल रही है। क्या है ऐसा बोल रही है बेटी आपकी? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात होगा। कुछ नहीं है। सच बताइए कि क्या मामला है, क्या वो आपसे बोली थी बेटी आपकी? तो गलत मामला है, ये सब गलत है। सब आप लोग सब बात झूठ बोले था, सब टोटल बात झूठ बोले था। शादी करने के लिए नहीं, शादी के लिए तैयार नहीं होगा, इतना बड़ा बात कोई? कुंदन साला बिहार शादी करके फिर ऐसे मेरे बहन के साथ ऐसे कर दिया, पता नहीं, बहुत गलत लड़का है। उसको क्या मत? इन सब में एक नाम कुंदन सामने आता है, तो मैं आप सबको बता दूं कि कुंदन उस लड़की के गांव का ही एक फौजी है जिसके पास रुपया पैसा और गाड़ी भी है। यह सब देखकर गांव की कई लड़कियां उससे लुभान्वित हो जाती हैं। इन्हीं में यह भी एक लड़की थी। फौजी और लड़की के पिता दोस्त हुआ करते थे। लड़की ने उसके साथ भागकर शादी कर दी और घर वाले इन सब के खिलाफ थे। लड़की के पिता द्वारा अपहरण का केस करने पर लड़की को वापस पुलिस द्वारा उसके घर भेज दिया जाता है। लड़की अभी नाबालिग रहती है, बस कुछ दिन ही बचे होते हैं उसके 18 वर्ष पूरा होने में। फिर कोर्ट में पेशी होती है और लड़की उस फौजी के साथ रहने के लिए कहती है, और इन सब का बदला लेने के लिए ही वह अपने पिता पर इतना घिनौना आरोप लगा देती है। सच्चाई पता चलने के बाद केस को समाप्त कर दिया जाता है। एक फौजी जिसको लोग देश की शान मानते हैं, उसके द्वारा अपने ही गाँव में ऐसा अपराध किया जाता है। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही क्राइम न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।